आज हम एक नए टॉपिक की बात करेंगे जो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये वर्ड थोड़ा बड़ा लग रहा है ना, इसे दो पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं, एटमॉस्फेरिक और रिफ्रैक्शन। अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन इज अ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर ऑब्लिकली। लाइट बेंड होती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ऑब्लिकली जाती है, तो इसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। रिफ्रैक्शन क्यों होती है? क्योंकि लाइट की डिफरेंट स्पीड होती है डिफरेंट मीडियम में। मान लीजिए ये दो मीडियम का इंटरफेस है, मीडियम वन और मीडियम टू का। अब ये एक लाइट ये है और ये नॉर्मल। अब देखिए इस लाइट को जाना कैसे चाहिए, स्ट्रेट लाइन पाथ में कुछ इस तरह जाना चाहिए। पर क्योंकि दो मीडियम से पास कर रही है ये लाइट रे, तो ये बेंड हो जाएगी। अभी टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी। ये डिपेंड करता है कि कौन सा मीडियम रेयरर है और कौन सा मीडियम डेंसर है। अगर ये मीडियम रेयरर है और ये मीडियम डेंसर है, तो व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम देन इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। पर अगर हम मीडियम्स को इंटरचेंज कर दें, इसे बना देते हैं डेंसर मीडियम और इसे कर देते हैं रेयरर मीडियम, तो ये जो लाइट रे होगी दिस विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल कुछ इस तरह। ध्यान रखिए मैं ये जो टर्म्स यूज कर रही हूँ डेंसर रेयरर, सो आई एम रेफरिंग टू ऑप्टिकली डेंसर एंड ऑप्टिकली रेयरर, जो कि मीडियम्स की ऑप्टिकल डेंसिटीज है। फ्रेंड्स ये तो बात थी रिफ्रैक्शन। अब बात करते हैं एटमॉस्फेरिक की। ये वर्ड हमारा डेराइव हुआ है एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर एक थिन लेयर ऑफ एयर है जो अर्थ को सराउंड करती है, एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। पर हेटेरोजीनियस क्या होता है? कई चीजों का मिक्सचर है, जैसे कि एयर मॉलिक्यूल्स जिसमें मेनली ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स, डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक एक्सेट्रा। तो ये हमने एटमॉस्फेरिक की भी बात कर ली, रिफ्रैक्शन की बात कर ली। अब डेफिनेशन को कंबाइन करते हैं, तो वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या वो बेंडिंग ऑफ लाइट जो अर्थ का एटमॉस्फेयर करता है, उसे हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब ये कैसे होता है और क्यों होता है, आइए देखते हैं। मान लीजिए ये अर्थ है और ये अर्थ का एटमॉस्फेयर, ये सनलाइट की रे है, ये है नॉर्मल। अब देखिए इसे अपना स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करना चाहिए और जाना, इट शुड गो लाइक दिस, बट क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रही है, बिकॉज स्पेस में वैक्यूम है और अर्थ का एटमॉस्फेयर हेटेरोजीनियस है, सो वी कैन सी स्पेस इज रेयरर एंड एटमॉस्फेयर इज डेंसर। तो अब लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में आ रही है, सो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, राइट। तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा है क्योंकि इस रे ऑफ लाइट का रिफ्रैक्शन अर्थ का एटमॉस्फेयर कर रहा है। तो फ्रेंड्स हमें ये जो रिफ्रैक्टेड रे दिख रही है एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, एक ज़िगज़ैग लाइन है। अगर हम इसे जूम करके देखें तो हमें ये एक ज़िगज़ैग लाइन दिखेगी, पर वो कैसे, आइए देखते हैं। देखिए पहली बात तो अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है दैट इज हेटेरोजीनियस, अर्थ का एटमॉस्फेयर इज हेटेरोजीनियस। तो इसमें क्या है, मान लीजिए यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल ज्यादा है, मतलब जिसमें मेनली ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे कहीं वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा हो गए, यहाँ पे फैक्ट्री ज्यादा है और व्हीकल ज्यादा चल रहे हैं, तो यहाँ पे स्मोक ज्यादा है, यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स थोड़े और ज्यादा हो गए, यहाँ पे डस्ट पार्टिकल ज्यादा है। तो मतलब अर्थ का जो एटमोस्फियर है ये नॉन यूनिफॉर्म है, सो
इट इज नॉन यूनिफॉर्म। तो ये थी हमारा पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है टेम्परेचर चेंजेस विद प्लेस एंड टाइम। पहले बात करते हैं प्लेस। अब मान लीजिए यहाँ पे जो टेम्परेचर, यहाँ की जो एयर होगी वो हॉट होगी, यहाँ की कोल्ड हो गई, यहाँ की एक्सट्रीमली कोल्ड हो गई और यहाँ की एक्सट्रीमली हॉट हो गई। सो टेम्परेचर चेंजेस विद प्लेस। अब बात, तो ये तो बात हो गई हमारी प्लेस की। अब टाइम, अब मान लीजिए ये कोई पॉइंट है। अब यहाँ पे टेम्परेचर अगर टी है तो कुछ सेकेंड या कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के बाद यहाँ का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। तो इन दो पॉइंट्स की वजह से क्या है, अर्थ का एटमॉस्फेयर नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब जो रिफ्रैक्शन हो रही है वो भी नॉन यूनिफॉर्म है और जो लाइन है वो जिगजैग है। ये जो हमें रिफ्रैक्टेड रे दिख रही है, जो बेंड हुई है टुवर्ड्स नॉर्मल, ये हमें अभी कैसी दिख रही है, स्ट्रेट दिख रही है। पर अगर हम इसे जूम करें तो ये स्ट्रेट नहीं दिखेगी, जिगजैग लाइन के फॉर्म में दिखेगी। आइए देखते हैं कैसे। मान लीजिए ये लाइट आई थी अर्थ के एटमोसफियर में और यहाँ पे हॉट रीजन था। अब सडनली यहाँ पे कोल्ड रीजन है। अब क्या हुआ, ये नॉर्मल है। अब लाइट जाएगी हॉट रीजन से कोल्ड रीजन में। हॉट रीजन में टेम्परेचर ज़्यादा है, कोल्ड रीजन में टेम्परेचर कम है। हम सब जानते हैं टेम्परेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, सो वी कैन से दिस इज रेयर मीडियम। इसका टेम्परेचर कम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, सो वी कैन से दिस इज डेंसर मीडियम। जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है सो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब इसे जाना तो स्ट्रेट लाइन पाथ में चाहिए इस तरह, पर जा कैसे रही है, बाय बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब मान लीजिए यहाँ पे टेम्परेचर फिर से कोल्ड से हॉट हो गया। अब हॉट में टेम्परेचर ज़्यादा है तो फिर ये फिर से रेयर मीडियम आ गया। जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइक दिस। सो दिस मीन्स उसे जाना तो स्ट्रेट लाइन पाथ में चाहिए पर जा रही है बाय बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मान लीजिए यहाँ पे फिर से रीजन कोल्ड हो गया, सो अब यहाँ पे फिर से डेंसर मीडियम आ गया। अब ये नॉर्मल है सो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तब इधर पाथ आप नोटिस करें तो देखिए स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं है, ये एक जिगजैग पाथ फॉलो कर रही है लाइट। तो इससे हमें पता चल रहा है, सो वी कम टू, तो हमें पता चल रहा है कि जो स्ट्रेट लाइन है ये एक्चुअली स्ट्रेट लाइन, तो जो रिफ्रैक्शन है वो नॉन यूनिफॉर्म हो रहा है। फ्रेंड्स यहाँ तक हमने क्या देखा कि जब भी कोई लाइट रे सन से अर्थ तक आएगी तो पहले तो क्योंकि वो रेयर से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करी है, स्पेस से अर्थ के एटमोसफेयर में, तो अर्थ का एटमोसफेयर उस लाइट रे को बेंड कर देगा टूवर्ड्स द नॉर्मल और वो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो ना करके एक जिगजैग लाइन का पाथ फॉलो करेगी। हमने देख लिया ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक तो अर्थ का एटमोसफेयर एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर है और दूसरा टेम्परेचर चेंजेस विद प्लेस एंड टाइम। तो इस ट्यूटोरियल में हमने देखा कि एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, इट इज द रिफ्रैक्शन और बेंडिंग ऑफ लाइट, कौन कर रहा है, अर्थ एटमोस्फियर, और क्यों कर रहा है, क्योंकि अर्थ के एटमोस्फेयर की जो लेयर्स हैं दे हैव डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी एंड डिफरेंट
टेम्परेचर। तो ये था आज के ट्यूटोरियल के लिए। इस ट्यूटोरियल में हमने एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में सीखा। इट इज अ रिफ्रैक्शन और बेंडिंग ऑफ लाइट बाय अर्थ एटमॉस्फेयर। और ये क्यों होता है? बिकॉज द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर हैव डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज एंड डिफरेंट टेम्परेचर। फ्रेंड्स, अगले ट्यूटोरियल में हम कुछ फिनोमेना समझेंगे जो कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही होते हैं। जैसे कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट्स को हॉट एयर के थ्रू देखते हैं तो वो हमें थोड़े थोड़े हिलते हुए दिखते हैं, और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, और जो स्टार्स उनकी अपेरेंट पोजीशन थोड़ी हाई होती है उनकी एक्चुअल पोजीशन से। हम अर्ली सनराइज और डिलेड सनसेट के बारे में भी पढ़ेंगे अगले ट्यूटोरियल्स में। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब करते रहिए आलिया पॉड के लिए, और बाय।